नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम विनोद सिंह है और आप देख रहे हैं विनोद टेक मोबाइल चैनल। दोस्तों आज मेरे पास एक रेडमी का 5A आया हुआ है और एक कस्टमर का कहना है कि ये डेड है और ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको आज हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ऑन नहीं हो रहा है पावर की दबाने पर, और इसमें चार्जर भी लगा के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है वो देखेंगे। उससे पहले एक बार चार्जर लगा के हम चेक कर लेते हैं कि ये चार्ज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए चार्जर लगा रहा हूँ और देख सकते हैं इसमें चार्ज भी शो नहीं कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है वो देखते हैं। तो सेट को ओपन करते हैं पहले। तो देखिए सेट को अब ओपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है हम एक बार जो है बैटरी चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो चलिए एक बार बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कितना चार्ज है बैटरी। तो देख सकते हैं बैटरी 4 वोल्टेज चार्ज है और फिर भी उसके बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है। एक बार जो है हम यहाँ से पावर की को शॉर्ट करके देखते हैं, हो सकता है पावर की जो है इसका सही ना हो। तो नीचे का रहता है इसका, तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट किया मैं, लेकिन इस साइड अभी भी ये ऑन नहीं हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है एक बार जो है हम DC पे लगा करके भी देखेंगे कि DC पे लगाने के बाद पावर की दबाने के बाद क्या रीडिंग ले रहा है, उसके हिसाब से हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए DC पे दिखाते हैं। तो चलिए अब केबल हम इसमें लगाते हैं और DC पे देखते हैं कि पावर की दबाने पर क्या रीडिंग ले रहा है। तो DC दिखाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर की मैं प्रेस कर रहा हूँ और देख सकते हैं पावर की है, प्रेस करने पर DC पे कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा है। अब एक बार जो है हम यहाँ पर शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को पावर की। तो देख सकते हैं अभी भी DC पे कुछ नहीं ले रहा है। इसका मतलब कि या तो पावर तक सप्लाई नहीं पहुँच रहा है या तो फिर इसमें सेकेंडरी लाइन में कहीं शॉर्टिंग। तो अब एक बार जो हम इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिया है और देख सकते हैं ये इसका प्लस है और ये माइनस है। तभी देख सकते हैं इधर से इस पर 400 कुछ रीडिंग आ रहा है, 450 के ऊपर। अब दूसरे साइड से चेक कर लेते हैं। तो दूसरे साइड से 1700 रीडिंग आ रहा, 1700-1800। तो यहाँ पे तो शॉर्टिंग नहीं बता रहा। अब एक बार जो है बोर्ड को हम निकाल के उसके बाद देखेंगे कि IC की तरफ, पावर IC की तरफ कुछ वाटर डैमेज तो नहीं है। तो देख सकते हैं मेरा मदरबोर्ड है और इस पर अभी तक तो काम नहीं किया गया है, इस पर बिल्कुल अभी काम नहीं हुआ है। और इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड का भी पतरा निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं इस साइड भी काम नहीं हुआ है। अब जो है हम एक बार जो है पावर IC के पास भी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको ग्राउंड रख लिया और जो है एक
तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है और ये भी कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट ही बता रहा है। ये नहीं शॉर्ट है और ये भी कैपेसिटर शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। इसका मतलब जो कन्वर्टर आईसी के पास जो सप्लाई आता है वीपीएच लाइन का, ये वीपीएच लाइन मेरा शॉर्ट है। कन्वर्टर आईसी के पास देख लेते हैं शॉर्टिंग है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कन्वर्टर आईसी है, चार्जिंग आईसी जिसको बोला जाता है, और यहाँ से जो है बैटरी जो है सप्लाई इस पर आता है और फिर यहाँ से जो है सप्लाई निकल करके सारे सेक्शनों में जाता है। तो एक बार जो है यहाँ पे तो शॉर्टिंग मेरा नहीं है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से जो सप्लाई आउटपुट हो रहा है यहाँ से, तो इस पर चेक करते हैं कॉइल पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग है। यानी मतलब इस आईसी के बाद जो है किसी सेक्शन में सब शॉर्टिंग है, या तो नेटवर्क सेक्शन हो सकता है, वाईफाई सेक्शन हो सकता है, पावर सेक्शन हो सकता है, लाइट सेक्शन हो सकता है, ग्राफिक सेक्शन, मतलब किसी सेक्शन में यहाँ के बाद जो है शॉर्टिंग है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार जो है यहाँ पर सप्लाई दे करके थोड़ा हम महसूस करेंगे किधर हीटिंग हो रहा है, उसके बाद आप लोग को मैं चेक कराता हूँ कि क्या इसमें कहाँ पे फॉल्ट है। तो 4 वोल्टेज की सप्लाई सेट किए हैं 5 एम्पीयर, और जो है एक बार जो है हम महसूस करेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ। तो हमको लग रहा है इधर पावर सेक्शन की तरफ कहीं हीटिंग हो रहा है, तो इस पर हम रोजिन पेस्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या हीट हो रहा है। अब जो है हम एक बार जो है इधर ही हम इसको सप्लाई दे देते हैं, तो इधर तो कुछ हीटिंग महसूस नहीं हो रहा है, कुछ हीट नहीं हो रहा ऐसा। एक बार जो है हम इधर देते हैं और तो अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ा और रोजिन लगा देते हैं।
देख सकते हैं, अभी क्लियर नहीं हो पाया। अब एक बार जो है पूरा इधर भी रोजिन प्रेस लगाते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं यहीं पे हीटिंग हो रहा है, एक कन्वर्टर के पास ही, जो एक कैपेसिटर जो देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, फिर से एक बार रोजिन लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये जो है, ये वाली कैपेसिटर जो है मेरी, ये वाली कैपेसिटर जो है वो हीट हो रहा है। अब इसको हम एक बार निकाल के उसके बाद देखते हैं सेट मेरा ऑन होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर जो है हीट हो रहा था। अब एक बार जो है हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं 0-0 आ रहा है, ये शॉर्ट है। अब जो है एक बार शॉर्टिंग भी आप लोगों को चेक करा देते हैं कि अभी जो यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा था वो शॉर्टिंग, देखिए अभी 350 के लगभग में रीडिंग आ गया। और इधर से भी देख लेते हैं, तो इधर से देखिए 1800-1900 लगभग आ गया रीडिंग। अब एक बार जो है सेट को, बोर्ड को लगा कर देखते हैं कि सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे भी आपको किसी भी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। आपके पास डीसी होना चाहिए, अगर अच्छे वाला 5 एम्पियर वाला डीसी है तो आप शॉर्टिंग इजीली निकाल सकते हैं। शॉर्ट किलर का यूज मत करिए, क्योंकि उस पर कभी कभी उसका एम्पियर ज़्यादा होता है तो थोड़ा बोर्ड पे नुकसान पहुंचता है। तो सबसे बेस्ट जो है डीसी से ही हो जाता है काम। तो देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं सेट जो है ऑन हो गया। और इसमें अभी जो है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है बता रहा है। तो इसको, इसमें एक प्रॉब्लम और है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए आगे और वीडियो अच्छे अच्छे लाता रहूं। चलिए इसको मैं जो है वीडियो को, इस सेट को मैं सॉफ्टवेयर करके रिपेयर कर लूँगा। तो धन्यवाद।